हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग और कितना टॉपिक आपको समझ आ रहा है मेरी वीडियो से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को। और बेटा, मुझे आपसे एक और बात डिस्कस करनी है कि आई यूज़ टू टीच ऑन अन अकेडमी ऑल्सो, तो आप लोग मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी पे साक्षी वर्मा, अगर आप सर्च करेंगे साक्षी वर्मा आप सर्च करेंगे तो अन अकेडमी पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप प्लीज़ उन्हें देख सकते हैं। एंड दीज वीडियोस आर बेनिफिशियल फॉर बीकॉम कोर्स ओनली। आप बीकॉम या एमकॉम जो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ये वो सारी वीडियोस अन अकेडमी पे जो पड़ी हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप अन अकेडमी पे एक बार सर्च करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग यूट्यूब पे तो कनेक्टेड हैं ही, और मैं चाहती हूँ कि हम लोग अन अकेडमी पे भी कनेक्टेड हों। और एक और रिक्वेस्ट, वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। उस वहाँ पे एक बेल बनी हुई होती है, बेल आइकन को टच कर देना, जिससे आपको पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें कि आज अगर वीडियो डली है तो आप देख पाओ वीडियोस को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को। हमारा ये जो लेसन होगा वो बिजनेस मैथमेटिक्स पे होगा, ठीक है। ये हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स में यूनिट 3 चल रहा है, जिसका टॉपिक चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और जो ये बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कंसेप्ट को। अभी तक हम लोग पार्ट 4 तक वीडियोस देख चुके हैं, आज हमारा पार्ट 5 होगा, और पार्ट 5 के साथ हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 6 में हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 5 ध्यान से सुनना है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर देना है, जिससे आप लोग को प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं इन वीडियोस में डाल रही हूँ, आप प्लीज़ घर बैठ के प्रैक्टिस किया करें इन सारे क्वेश्चंस के। और आपके पास बुक्स भी हैं तो बुक्स में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, दिस कोर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ फॉर बी कॉम प्रोग्राम एज वेल एज बी कॉम ऑनर स्टूडेंट्स, जिनके जो फर्स्ट ईयर में हैं और इवन जो सेकेंड ईयर में हैं, उनके भी बिजनेस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये चैप्टर है। तो पूरा चैप्टर आप लोग को मेरे साथ प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं पहले पढ़ूंगी और फिर आपको समझाऊंगी। अ सेविंग अकाउंट ओपन 3 मंथ्स अगो नाउ हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹2040। इफ़ द बैंक पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड हाउ मच मनी टू बी डिपॉजिटेड। एक सेविंग अकाउंट है, एक पर्सन है, ये एक पर्सन है मिस्टर बी, इसने ये बैंक में गया और इसने एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया। कब ओपन कराया? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले जब उसने ओपन कराया, तो अब 3 मंथ्स के बाद उसके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो ₹2040 पड़े हुए हैं उसके अकाउंट में। अगर बैंक 8% का सिंपल इंटरेस्ट लगाता है एक साल का, तो ये बताओ कि जो मिस्टर बी है जब बैंक में गया तो उसने कितना पैसा डिपॉजिट करा होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो उसने एक्स अमाउंट डिपॉजिट करा किस में, बैंक में, ठीक है। कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए, ठीक है। 3 महीने में बैंक ने एक्स अमाउंट के ऊपर अपना 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया। बट बेटा ये एनम है, एनम मतलब ये ईयर वाइज है। हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो मंथ वाइज लगेगा, क्योंकि टाइम पीरियड मंथ में है। अगर टाइम ड्यूरेशन ईयर में होती है तो इंटरेस्ट भी ईयर में लगता है, अगर टाइम ड्यूरेशन मंथ में होती है तो इंटरेस्ट फिर मंथ के हिसाब से लगता है, अगर टाइम ड्यूरेशन क्वार्टरली के हिसाब से होती है, क्वार्टर्स वाइज होती है, तो फिर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी क्वार्टर्स वाइज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3 महीने के हिसाब से लगेगा। इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा है, इसका मतलब है जो उसने डिपॉजिट करा प्लस जो उसका इंटरेस्ट लगा इज इक्वल टू कितना अमाउंट अब उसके अकाउंट में है, ₹2040 उसके अकाउंट में। बात समझ आई, कंसेप्ट समझ आए कि मैं क्या कराने की कोशिश कर रही हूँ। कि उसने डाला मान लो ₹X, मान लो डाला उसने ₹100 पे उसका 8% का इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 3 महीने के लिए। जितना इंटरेस्ट लगा दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है हमारे पास, अमाउंट आता है। ये अमाउंट उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है और जो हमें बताया हुआ है ₹2040 उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं। क्लियर? ओके, अब हम करते हैं। कोशिश करो कि आप खुद इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन को, और जैसे ही क्वेश्चन हो जाता है वीडियो को प्ले करो और आंसर मैच करो, या कहीं पर भी डाउट होता है वहाँ पे वीडियो प्ले कर लो। ट्राई किया करो कि खुद कोशिश किया करो कि खुद क्वेश्चन करो, ठीक है। चलिए मैं समझा रही हूँ आगे।
ओके सॉल्यूशन, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर अपॉन टी 100 इंटू टी. बेटा आर कितना है 8%, ये ईयर वाइज है. टाइम ड्यूरेशन कितनी है 3 महीने. ठीक है, या तो आप क्या करते हो 3 महीने को ईयर में कन्वर्ट कर लो या इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3 महीने के हिसाब से कन्वर्ट कर लो. देखो इजी क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन को ईयर में कन्वर्ट करना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 साल का दिया हुआ है ना तो टाइम ड्यूरेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो साल में. आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम है. पूरे साल का 8% लग रहा है तो 6 महीने का कितना लगेगा, आपका हाफ हो जाएगा 4% लगेगा. ठीक है, और 6 महीने का भी अगर हाफ कर दो तो कितना लगेगा 3 महीने, है ना, तो 3% लगेगा. मेरी बात समझ आ रही है, मैं बताती हूँ. 12 महीने होते हैं 1 साल में. ठीक है, 1 साल के लिए लग रहा है 8%, तो अगर मैं इसका हाफ करूँ, 12 का हाफ 6 होता है, तो 8% का आधा किया तो 4%. अब 6 का भी आधा करूँगी तो 3 महीने, तो 4 का भी आधा करूँगी तो 2%. बात समझ आ रही है? तो या तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर लो अपने मंथ्स के हिसाब से, या टाइम ड्यूरेशन को कन्वर्ट कर लो मंथ्स ईयर्स में. ठीक है, वैसे ज़्यादातर ईजी क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन को कन्वर्ट करना ईयर में. ठीक है, अब आगे देखो, 12 महीने कितना बनाते हैं 1 साल, तो 3 महीने कितना बनाएंगे साल को, तो 1/12 × 3. ये रूल कहता है, ये यूनिटरी मेथड होता है. 1/12 × 3 ये कितना हुआ 3/12 ईयर. यहाँ तक क्लियर? तो अब मेरा जो ड्यूरेशन आ गया वो ईयर में आ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना दिया हुआ है ईयर वाइज. मेरे अकाउंट में कितने पैसे अब टोटल पड़े हुए हैं 2040. तो डिपॉजिट कितने करे थे पता नहीं, तो उसको हमने पी मान लिया. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया पी. आर क्या है बेटा 8/100 इंटू टाइम क्या है 3/12. इसको सॉल्व किया. अब देखो इसको सॉल्व किया, 3 को 12 से काटा तो 1/4, 4 को 2 से काटा 8, 2 को 100 से काटा 50. ठीक है, तो आंसर क्या बचा, ऊपर 1 बचा तो 1 को P से मल्टीप्लाई किया तो P, और नीचे 50 बचा तो नीचे 50, तो P/50. ये समझ आ रहा है? ओके, अब मुझे पता है कि अमाउंट किसके इक्वल होता है. ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ ऐड करें तो वो टोटल अमाउंट होता है. अमाउंट मुझे पता है 2040, एक ही जगह 2040 लिख देना. सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया P/50, प्रिंसिपल ऑलरेडी P है. ठीक है, अब आगे देखो, अमाउंट की जगह मैंने लिख दिया 2040, प्रिंसिपल की जगह मैंने लिख दिया पी, प्लस की जगह प्लस, और सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख दिया P/50. यहाँ तक क्लियर? ओके, अब क्या किया मैंने बेटा, इसका मैंने क्या लिया एलसीएम. 50 और 1 का एलसीएम क्या होता है 50. 50 को पहले 1 से डिवाइड किया, 50 को मैंने 1 से डिवाइड किया, तो 1 × 50 कितना हुआ 50 हो गया डिवाइड, तो आंसर क्या आया 50. तो 50 को अगर मैंने 1 से डिवाइड किया आंसर आता है 50. फिर 50 को मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूँगी तो P से, तो 50P. इस 50 को 50 से डिवाइड किया तो आंसर 1. 1 को P से मल्टीप्लाई किया तो P. ये बात समझ आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोबारा बता देती हूँ. मैंने एलसीएम लिया 50 और 1 का, तो आता है 50. इस 50 को 1 से डिवाइड किया तो डिवाइड करके आंसर आता है 50. इस 50 को P से मल्टीप्लाई किया तो 50P. इस 50 को 50 से डिवाइड किया तो 1. 1 को P से मल्टीप्लाई किया तो P. 50P + P/50. यहाँ तक क्लियर? ओके बेटा, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि इक्वल्स टू में अगर यहाँ पे कोई नंबर डिवीज़न में होता है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो 2040 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, और अब ऊपर देखो इज़ इक्वल टू 50P में एक और P डाल दिया तो कितना हो गया 51P. डन, समझ आ गया? ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 102000 इज इक्वल टू 51P. बेटा ये जो 51 है वो इक्वल्स टू के इस तरफ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ अगर वो आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. बात क्लियर हुई? तो देखो डिवाइड ही हो रहा है. 51 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अब इधर आके क्या हो गया 102000 के साथ डिवाइड हो गया 51. तो जब डिवाइड हुआ तो पी कितना निकला 2000. इसका मतलब है जो बी था जब वो बैंक में गया तो उसने 2000 रुपये जमा कराए. इस 2000 रुपये पे 8% का इंटरेस्ट लगा, 3 महीने के लिए लगा, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 40 रुपये, जिससे उसके अकाउंट में पैसा कितना जमा हुआ 2040. ये 40 बेटा मैंने कैसे निकाला, मुझे पता है उसके अकाउंट में 2040 रुपये अभी है बैलेंस, और उसने जमा कितना कराया 2000. इसका मतलब उसने कितना एक्स्ट्रा कमाया होगा 40 रुपये. जब उसके अकाउंट में 2040 रुपये पड़े हैं, ठीक है,
और उसने जमा कराया 2000, अभी हमने 2000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, तो बेटा डिफरेंस ही तो होगा, इंटरेस्ट ही तो कमाया उसने एक्स्ट्रा, तो 40 रुपये इंटरेस्ट। बात समझ आई है? क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि हम क्या निकाल रहे थे और कैसे हमने निकाला? क्लियर? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल 6। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम टू क्वाड्रपल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। बेटा वो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, तो वो पूछ रहा है टाइम। टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 10%। अच्छा, ये क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रपल मीन्स 4 times, किसी भी चीज़ का 4 गुना मतलब होता है क्वाड्रपल। दैट मीन्स मान लो मैंने अगर एक्स अमाउंट डाला, ठीक है, अपने बैंक में, इसका 4 गुना, तो 4 गुना मतलब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यही तो होता है 4 बार, 4 बार एक्स दैट इज़ 4x। या 4 गुना का मतलब होता है जो अमाउंट आपने डाला उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी वो 4x बनते हैं। ये एक्स अपना 4 गुना 4x कितने टाइम में बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपये डाले अपने अकाउंट में, उस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा 100 रुपये 400 रुपये कब बदलेगा। ऑब्वियसली बात है ना, 100 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो 4 गुना होगा, तो 400 होगा। ये 100 रुपये कब 400 रुपये बनेंगे, कितने दौरान में बनेंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना डैट इज कितना टी लगेगा कि वो 100 रुपये 400 में हो जाए। बात क्लियर हुई? बस अभी हम यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं पता, इसलिए हम 100 रुपये की जगह एक्स लिख रहे हैं। और 100 का 4 गुना क्या होता है, 400, तो एक्स का 4 गुना क्या होगा, 4x, वो हम लिख रहे हैं। बात समझ आई है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, हमने बोला प्रिंसिपल अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया एक्स। अमाउंट क्या होता है कि वो एक्स जो डिपॉजिट किया, बट अब कुछ टाइम बाद मुझे उसका 4 गुना मिल रहा है, तो 4 times ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है एक्स, तो 4 times ऑफ प्रिंसिपल कितना हुआ, 4x। बात क्लियर हो रही है? अब अमाउंट किसके इक्वल होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के, राइट? मुझे पता है कि 4 गुना मुझे मिलेगा, तो 4 गुना 4x इज इक्वल टू अमाउंट, मैंने डिपॉजिट कितना किया बेटा एक्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, ये जो x है ये यहाँ पे बेटा इक्वल्स टू के आगे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x। तो इसलिए देखो 4x में से जब मैंने x को माइनस किया तो सिंपल इंटरेस्ट आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3x। ये बेटा ऐसे था, 4x इज इक्वल टू x प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही था। मैंने सिंपल इंटरेस्ट को तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहने दिया, इक्वल्स टू को इक्वल्स टू ही रहने दिया। ये x प्लस हो रहा है इधर, उधर जाके क्या होगा, माइनस। 4x में से अगर 1x छोड़ दूंगी तो क्या बचेगा, 3x, तो 3x किसके इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है। पॉइंट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे पता है, p इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला मैंने अभी, 3x। प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा करा था, एक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो 10/100 इंटू टाइम ड्यूरेशन मुझे नहीं पता तो मैंने टी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर? वन से 10 से 10 कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, लास्ट मेरे पास आंसर आ गया 3x का 3x ही रहा। एक्स को टी से मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू टी और नीचे 10। ठीक है बेटा, ये जो 10 है ये 10 नीचे डिवाइड में हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो 10 है ये इक्वल्स टू की इधर डिवाइड में हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 3x को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो x है ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे मैं x को ले आई। समझ आ रही है? दोबारा बता देती हूँ लिखकर कि ये जो 3x है इज इक्वल टू x अपॉन एक्स टी अपॉन 10 था, ये 10 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बाय 10। ये जो x है ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में, तो नीचे x। बात समझ आई? अब इस x से ये x कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या है, 10 × 3 = 30। क्लियर हुआ? ये देखो इस x से ये x कट गया, तो 10 × 3 कितना हो गया, 30। इट विल टेक 30 years, 30 years लगेंगे किसके लिए, कि प्रिंसिपल अमाउंट को 4 times होने के लिए। बात क्लियर हुई? और हमने यहाँ पे आप ये बोलोगे कि आप की भी तो कह सकते थे कि 30 months, बेटा हम 30 months इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनम वाइज दिया हुआ है, तो एनम का मतलब होता है ईयर, तो इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन भी आप ईयर्स में ही लेंगे, नहीं तो अगर आपको नहीं लिखना तो आप 30 years की जगह इट विल टेक 30 time to make प्रिंसिपल अमाउंट 4 times आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
कंसेप्ट क्लियर हुआ है? क्यों ट्रिपल का मतलब होता है फोर टाइम्स, हो सकता है इस क्वेश्चन में ट्रिपल आ जाए, ठीक है, तो ट्रिपल का मतलब होता है तीन गुना, तो आपने जमा करा एक्स और उसका तीन गुना क्या हुआ थ्री एक्स, वो अमाउंट आएगा, तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ सकता है। क्यों ट्रिपल की जगह मैं दे दूं डबल, तो डबल मतलब आपने एक्स जमा करा और उसका दो गुना आया, तो अमाउंट कितना हुआ दो गुना, तो टू एक्स। बात क्लियर हो रही है? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहे हैं या नहीं, और सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इन वीडियोज़ का। और थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी एट योर होम, एंड पढ़ाई अपनी करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स का कुछ नहीं पता कि जैसे ही ओपन होंगे कॉलेजेस हो सकता है एग्ज़ाम्स शेड्यूल आ जाए तो आपके पास ज़्यादा टाइम ना मिले, तो इसलिए कह रही हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए और बीच में स्टॉप मत होने दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।